सारा खिलाने जी फरमाइए। कोई टाइम सर, अभी जो ये सब बातें हो रही थी उसी से ज़हन में ये आ रहा है कि आपको अभी तक जो सबसे बड़ा एहसास आपकी नजर में आपको कौन सा लगा? कौन सा मिला है? बड़ा अच्छा भाई, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील है। अच्छा जी, मुझे एजाज़ बहुत से मिले। अंदाजा करो, जो पहली क्लास में जब मैं कच्ची च पढ़ता सा तो मैनू दो चाक मेरी मिस ने दिते। वो क्यों? मैनू 79 ते 89 का फर्क पता सी। 89 ते 79 का फर्क पता सी। और 89 को अंग्रेजी में 89 कहते हैं। 89 अदद भी है, 89 रिश्ता भी है। मैं अपनी 89ियों को 89 कहता हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे एमए में मिले बहुत से। एमए में मैं गोल्ड मेडल लिया। और फिर उसके बाद मुझे बहुत से प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले। अभी हाल ही में किशोर ऐलान हुआ है प्राइड ऑफ पंजाब का मेरे लिए, है जी। पिछले दिनों मैं गया, क्या नाम है ये, मस्कत में, तो वहाँ मुझे सोने का ताज उन्होंने पहनाया। और फिर दुबई में मेरा बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया। और फिर कई जगह अमेरिका से मुझे लाइफ अचीवमेंट का मिला, और इनके हाथ से मिला। ये मेरे साथ थी ये। और लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताता हूँ, मुझे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा अवार्ड, मैं तवाफ कर रहा था खाना काबा का, मैंने एहराम बांध रखा। एक लड़का था, उसने भी एहराम बांधा हुआ, अब खूब रूसा लड़का, तो वो मेरे पास आ गया। आज तक मैं बड़ा हैरान, ये बैतुल्लाह के सामने एक लड़का मेरी तरफ मुतवजे हो रहा है, अल्लाह खैर करे। तो वो फिर करीब आ गया, तो सवाल सुनिए, तुसी भी इत्थे ही हो? ते मैं कह जी हमें भी इज्न मिल गया है, हाजिर हो गए हैं। तो उसने जो जवाब दिया वो आपके सवाल का जवाब है। वो कहता है, अल्लाह की कसम मैंने पता तुसी ये थे हो, मैंने अभी आपके नाम का उमरा किया। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए।